आज हम बिहारी किचन में बनाने जा रहे हैं जिंकी पार्सल, जो कि हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम मटेरियल को फ्राई करेंगे और दूसरे पार्ट में हम डो को तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे बटर लिया है, टमाटो सॉस है और ये वाइट सॉल्ट है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और गाजर कटा हुआ है, टमाटर है, प्याज है, गोलकी पाउडर और लहसुन का छोटा छोटा टुकड़ा किया हुआ है क्यूब्स में और ये हमारा मायोनीज है जो कि हमने खुद से बनाया था। हमारा वीडियो होगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और ये हमने मिक्स इटालियनो बनाया जिसमें कि धनिया पत्ता है और करी लीव्स है और इसमें कस्तूरी मेथी आप देख रहे होंगे। और ये हमारा पनीर है कटा हुआ, चूर होगा लेकिन हमने इसको भी स्क्वायर में ही काटा क्योंकि घर का फटा हुआ है पनीर हमारा। और शिमला मिर्च है और ये वाइट तिल है और ये हमारा मैदा है और ये हमारा मकई का आटा है। जो भी हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स काटा है वो सभी स्क्वायर में ही कटा होगा, आप देख रहे होंगे सब कुछ। और हमें चाहिए होगा चीनी, दूध, दही, रेड चिली फ्लेक्स और चीनी दो बार चाहिए होगा और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक। जब हम जिंकी पार्सल बनाएंगे तो उसमें चीनी और दूध को घोल लेंगे और उसके बाद ऊपर से कोटिंग करेंगे और हम मैदा को सानेंगे तो दही में ही सानेंगे, ना कि पानी ना कि दूध। हमने गैस को ऑन कर दिया है, पैन को अभी हीट करेंगे, उसके बाद इसमें बटर डालेंगे। पैन हीट हो गया है तो अब इसमें हम बटर डालेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें हम सबसे पहले गार्लिक का कटा हुआ डालेंगे टुकड़ा और इसे लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन हो चुका है तो अब इसमें हम ओनियंस के टुकड़े डालेंगे। आँच हम तेज़ी रखेंगे और चलाते रहेंगे और इसे भी लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज भी हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है तो अब इसमें हम गाजर डालेंगे। हमारा गाजर भी फ्राई हो चुका है तो अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। आँच हम धीमे ही रखेंगे क्योंकि हमारा वेजिटेबल ताकि फ्राई हो जाए और कच्चा ना रहे और ध्यान रहे कि लाल ज़्यादा ना हो। इसी बीच हम इसमें एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। और हम इसमें गोलकी पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आँच हम धीमी ही रखेंगे अभी। हमारा मटेरियल फ्राई हो चुका है, टमाटर बचा है तो उसको हम सेपरेटली फ्राई करेंगे। अभी इसे हम पैन से निकाल लेंगे अलग। फिर से हम पैन में बटर डालेंगे, आँच हम धीमी रखेंगे और उसके बाद हम कटे हुए टमाटर डालेंगे इसमें। आँच हम धीमी रखेंगे अभी। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे और ऑर्गेनो डालेंगे। ऑर्गेनो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, उससे हमारा टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, आँच हम तेज कर लेंगे। हमें टमाटर को तब तक पकाना होगा जब तक वो मसी ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए। टमाटर हमारा गल रहा है, देख रहे हैं, थोड़ा और ये गलेगा अभी। इस तरह हम मेल्ट कर लेंगे इसे। हमारा टमाटर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा सा और प्याज डालेंगे ताकि ये क्रंचीनेस रहे और थोड़ा सा झांस टाइप का फ्लेवर आए। और इसे हम पूरा नहीं पकाएंगे, हल्का ही पकाएंगे। हमने 2 मिनट तक प्याज को भी फ्राई किया है तेज आंच पे, तो अब इसमें हम पनीर डालेंगे कटा हुआ और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आँच हम धीमी ही रखेंगे। हमने 1 मिनट तक पनीर को भी फ्राई किया, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो वो हार्ड हो जाएगा, कड़ा, सॉफ्ट ही रहने देंगे हम। अब इसी बीच हम इसमें 2 से 3 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे।
अगर आपको मीठा पसंद है थोड़ा तो आप डाल सकते हैं 5 चम्मच भी। आँच हम धीमी रखेंगे अभी। और 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे इसमें। अब इसमें हम हमारा फ्राई किया हुआ मटेरियल मिक्स करेंगे और आँच धीमी रखेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मटेरियल को। हमारा मटेरियल तो तैयार हो चुका है, तो अब इसे हम खाली कर लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हम डो की ओर बढ़ते हैं। हमने प्याज यहाँ पे 2 तरीके से इसलिए डाला है, एक तो हमारा प्याज जो कि क्रंची फ्लेवर देगा और एक हमारा जूसी टाइप का लगेगा। देख रहे होंगे आप यहाँ पे प्याज पूरा पका नहीं है, मेल्ट नहीं हुआ है। हमारा स्टफ़ तो तैयार हो गया, तो हमने इसे प्लेट में खाली कर लिया है। अब इसमें हम वाइट तिल डालेंगे ऊपर से, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। वाइट तिल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसे डालने के बाद हम इसे मिक्स करके छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। अब हम डो तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम मैदा में दही डालेंगे, चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लोइया बनाएंगे उसका। हमारा आटा गूंथ के इस तरह कुछ तैयार हो गया है डो का। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा रिफाइंड डालेंगे हाथ में, कुछ इस तरह से लगाएंगे और उसको और गूंथेंगे। रिफाइंड से हमें उसे अच्छे से मिक्स करना होगा ताकि वो चिपके ना और पतला हो जाए, ताकि इसमें खमीर आ जाए। बटोरे का आटा गूंथते हैं उसी तरह इसे भी करेंगे हम। अब इसको हम कुछ इस तरह लंबा करेंगे और उसके बाद उसका छोटा छोटा डो तैयार करेंगे इसे। जब चिपके तो हम रिफाइन हाथ में लगा लेंगे ताकि चिपके ना। ये हमारा डो का तैयार हो चुका है लोइया। अब हम क्या करेंगे, मकई के आटा में लोइया को पूरा राउंड अच्छे से लिपटेंगे उसमें और उसके बाद उसका गोल गोल लोइया करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम उसको बेलेंगे अच्छे से इस तरह से। पहले हम मोटा बेल लेंगे, उसके बाद हम पानी लगाएंगे इसमें कुछ इस तरह से हल्का ऊपर से, ताकि चिपका रहे जब हम बेक करें, ताकि फूल के खुल ना जाए हमारा जिंकी पार्सल। अब पहले एक तह इस तरह मोड़ेंगे और दूसरा तह इस तरह मोड़ेंगे उसको, और ये तीसरा इस तरह से, ताकि हमारा ट्रायंगल का शेप हो जाए। और उसके बाद कोना उसका प्रेस कर देंगे ताकि चिपक के रहे और वो जब बेक करें हम तो खुले नहीं। अब इसमें हम स्टफ फिल करेंगे। ऊपर से प्रेस कर देंगे। कुछ इस तरह से। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें रिफाइंड लगाएंगे, ग्रीसिंग करेंगे इस तरह से प्लेट में डाल लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से लगा लेंगे, पूरा प्लेट पे मिक्स कर देंगे और उसके बाद उस पर जिंकी पार्सल रख देंगे। हमने प्लेट को ग्रीसिंग कर लिया है, तो अब इसमें हम अपना जिंकी पार्सल रखेंगे। अब हम दूध में चीनी को डाल के घोलेंगे कुछ इस तरह से। हमारा तैयार हो गया कोटिंग के लिए। अब हम गैस ऑन करेंगे, मोटा कढ़ाई लेंगे थोड़ा, और उसके बाद हम इसमें स्टैंड डालेंगे, तेज आँच ही रखेंगे इसे, ताकि प्री हीट हो सके ये। इसमें कुछ इस तरह से हम स्टैंड रख देंगे और उसके बाद हम इसे ढक देंगे 10 मिनट तक। इस तरह से हम ढक देंगे इसे अच्छे से और आँच तेज रखेंगे। अब इसमें हम दूध का कोटिंग करेंगे, दूध और चीनी का, तो कुछ इस तरह से हम कोटिंग करेंगे इसमें। हमारे पास तो अभी ब्रश नहीं है फिलहाल, कुछ हम इस तरह से कोटिंग करेंगे इसका।
इससे क्या होगा कि टेक्सचर अच्छा आएगा और थोड़ा फ्लेवर भी। हल्का हल्का ब्रशिंग करना है बस। कोटिंग करने के बाद हम गार्निश करेंगे, तो हमारा गार्निशिंग का मटेरियल सेम है, बस इसमें हमने तिल डाला है वाइट, उसके ऊपर कुछ इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। करीबन 10 मिनट हो गया है तो हमारा कढ़ाई हीट हो चुका है, तो अब इसका ढक्कन हटाएंगे और स्टैंड के अंदर हम जिंकी पार्सल को सेट करेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि हमारा आंच धीमा कर देंगे और इसे पकने के लिए 20 से 30 मिनट छोड़ देंगे धीमी आंच पे, और इसे वापस हम ढक देंगे, कुछ इस तरह से ढक के छोड़ देंगे और फ्लेम लो कर देंगे। करीबन 20 से 25 मिनट हो गया है तो एक बार हम इसे खोल के चेक कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि अभी भी ये नहीं पका है, तो अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये थोड़ा थोड़ा साइड से हो चुका है बेक, तो इसे हम फिर वापस ढक देंगे और पकाएंगे, धीमी आंच रखेंगे, याद रखें। करीबन 45 मिनट्स हो गया है तो इसे हम वापस खोल के एक बार चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जिंकी पार्सल बन के तैयार हो गया है। ये थोड़ा लाल ज़्यादा हो गया है, लगभग 45 मिनट्स लगे हैं इसे पकने में, तो अब हम इसे सर्व करेंगे।